वही हम लोग पहुंच चुके हैं राष्ट्र विद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर। वही इसको जाने के लिए हम लोगों को राष्ट्र विद्यालय मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेनी पड़ती है और ये राइट में से आप उतारती है हम उतारती महालक्ष्मी रोड पर उतरना है। तो जैसे मैं फर्स्ट बार जा रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल, तो अगर आप भी कोई वीडियो देख के जाना चाहें। A few moments later, ये हमारे दो मित्र हमें पेटीएम पे प्राप्त हुए। कोई सेंस है इस बात की? अच्छा आपका इंट्रोडक्शन दो, आपका इंट्रोडक्शन दो, क्या नाम है आपका? देना कदरी गुरु भाई माई सेल्फ रोहन अजीब जानवर। अरे सॉरी भाई आपका नाम बताओ। माय नेम इज स्वप्न साधव। सो ये हमारे खासम खास मित्र बेंगलोर के हमारे फर्स्ट मित्र बेंगलोर के परम में है ना। अगर अच्छा साथ बना रहा तो इनके साथी में बुलाएगा ये मुझे, बोला तो है जरूर। तो बाकी आज हम लोग इस्कॉन जा रहे हैं रोहन जी के साथ, हम आज इस्कॉन जा रहे हैं। मैं राजस्थान का, ये महाराष्ट्र के, वो दो और महाराष्ट्र के, तो ये हमको टोकन मिला है मेट्रो का टोकन। सो मैं आज फर्स्ट बार मेट्रो में बैठने जा रहा हूँ, क्या करना है वो। तो भाई ये गिरेज नहीं है, किधर किधर भी गिरा नहीं है। हाँ तुम फोन गिराते फिर रहे हो और हमको इसकी तरह दे रहे हो, वही बोला। तो कितना रुपया लगा इस हमको? इससे हम इस्कॉन पहुंच जाएंगे। अब पक्का हो गया कि हम इस्कॉन नहीं जा रहे, बातें करते करते इस्कॉन पहुंच जाएंगे। हाँ बातें करते करते तो हम लोग उतर की जाए महालक्ष्मी स्टेशन के ओपन, ये रेलवे स्टेशन के ओपन। यहाँ से लगभग 100 मीटर है यहाँ पे अपना इस्कॉन टेम्पल्स। वो कि अगर आप में से कोई भी आके यहाँ हमारी पूछेगा भाई इस्कॉन टेम्पल जाना है यहाँ उतरने के बाद, तो फिर आप कह सकते जैसे रोहन जा रहा है। अभी हम लोग इस्कॉन के बाहर आ गए हैं। आप लोग क्राउड चेक करो, सिस्टम हैंग हुए हैं सिस्टम विस्टम नहीं सब पर। कृष्ण भगवान को बटे विश करने के लिए इतने लोग आए आज, बहुत भक्त लोग। हाँ और रोहन का बर्थडे होता है तो गिनते ये 5 भी नहीं होते, बड़ी नाइन से भी है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सॉरी रोहन, इट हर्ट्स बट दिल से बुरा लगा। हम लोग अंदर आ चुके हैं यार, देखो इतनी ज़्यादा भीड़ और अंदर घुसती मतलब थोड़ा थोड़ा ओपन स्पेस मिल गया। देखो बाहर जो भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी ट्री अब जाके चालू हुई है, अंदर फिर भी स्पेस है, बाहर जो क्राउड है हाइस्ट वो बहुत भारी है। मंदिर तो अभी बहुत आगे ये बोल रहे हैं, पर बाहर का क्राउड देखते हुए अंदर का तो कुछ भी नहीं है। ये भाई इस्कॉन का मेन गेट,
ऊपर से तो मैं मंदिर से दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं गाइस। ये यहाँ पे कुछ टोल्स लगी हुई है, आपको अगर कुछ खरीदना हो तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। पैसा देखिए मंदिर के अंदर भी बिजनेस कर रहे हैं सर खुलकर। वही ये सारी दुकानें हैं यहाँ से, आप कुछ भी खरीदना हो आप खरीद सकते हैं। आप इस्कॉन आते हैं बेंगलोर के, ये कुछ एनिमेटेड मूवीज दिखाई जा रही है यहाँ पर, टिकट वगैरह वगैरह लेके एनिमेटेड मूवीज जो आप देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अरे आप अपने ये चिल्ड्रन जोन आए हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ, बच्चों के खेलने के लिए टॉयज वगैरह जरा आपको लेना होगा। यह है गाइस मंदिर की एग्जिट, लास्ट में आपको हर इस्कॉन टेंपल के लास्ट में आपको एग्जिट के बाहर महाप्रसाद दिया जाता है मंदिर का, हो सकता है यहाँ पे भी उस चीज़ की व्यवस्था हो। हाँ बोलो। ये आ गए महाप्रसाद के काउंटर गाइस, यह कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहेंगे लाइन। अब यहाँ पे मिलता है महाप्रसाद मंदिर का लास्ट में, तो ये मैंने आपको बोला था हर इस्कॉन टेंपल के लास्ट में मिलता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और भाई जब भी हम लोग इस्कॉन टेम्पल के अंदर दर्शन वगैरह करके आ चुके हैं, और ये हमारे भाई लोग बोलो है ना, आपको जैसे मैंने बताया सबसे सही तरीका मेट्रो के द्वारा महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन पर आपको उतरना है, यहाँ से सीधा खाली यहाँ से मेट्रो स्टेशन से निकलती वो और केवल 100 मीटर की वो के और आप लोग इस्कॉन टेम्पल पहुँच जाएंगे। आज सकते हैं जब भी बीच डी पर यूजली इतनी भीड़ नहीं रहती है, और शायद ये एस्केलेटर खराब हो गया है, तो बाकी काफी अच्छा था इस्कॉन टेम्पल का विजिट। इसको खड़े रहने की चुन रहे यहाँ पे सीट है हमारे पास। जी हमारी मेट्रो जा रही है वापिस सबको छोड़ छोड़ा के, और हम लोग वापिस वही आ गए जहाँ से हमने सीधी मतलब हम लोग घूम मार के वापस पूरा इस्कॉन टेम्पल घूम मार के राष्ट्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन पर वापस आ चुके हैं। महालक्ष्मी मेरे मेट्रो स्टेशन पे गए थे हम लोग भली रोड जहाँ इस्कॉन था, कौन सा रोड आरवी रोड पर चलो, अच्छा राष्ट्रीय विद्यालय रोड राष्ट्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन। चलो गाइस अब मुझे लगता है क्लोको दैनिक करने के पहले मात्र पाए ज़्यादा खाने पर खाना खाने का वो भी बुक करने का क्या चलो खाना खाने का भी शूट करने का। इस भाई ने बोला करने का भाई तो करने का तो वही जब ये फाइनली हम लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गए और ये हमारी हमारा आया गुस्सा कौन सा आया बुता ओ दिस ये आया गुस्सा आया बुता दे ये आया गुस्सा विद आया गुस्सा का राइटर ये धक्का देना पड़ेगा क्या। चलो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं सब कुछ खाने पीने। चलो वो आज का व्लॉग, आज हम लोग गए थे इस्कॉन टेम्पल, आपको बताइए कैसा क्या होता है माहौल जन्माष्टमी इस्कॉन टेम्पल पर क्या माहौल रहता है। हाँ तो आप लोगों ने माहौल देखा, बस आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप उसके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ही बाय बाय जय श्री राम। बोलो जय श्री राम जय श्री राम।